हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यार साफ फूड मैंने भिगोई हुई है, तो साफ फूड सबसे पहले अपने पैरेट्स को डालें और उसके बाद हम देखते हैं हमने क्या कर रहा है। तो यार हो सकता है गाइस आप जब मैं साफ फूड अंदर डालने जाओ ना तो प्रोग्रेस भी इसकी चेक कर ले, लेकिन प्रॉपर नहीं चेक करेंगे, प्रॉपर हम इंशाल्लाह एक हफ्ते बाद चेक करेंगे, ताकि फिर यार एक हफ्ते बाद चेक करते रहें गाइस, फिर जाकर अच्छा अच्छे हमें रिजल्ट मिलते हैं। तो इंशाल्लाह यार तकरीबन 5-7 डोले से देख के देखते हैं यार क्या हुआ पड़ा। गाइस यहाँ पर मैं रख गया था साफ फूड भिगो कर, कल शाम को बहुत सारी मैंने साफ फूड भिगो दी थी, क्योंकि यार मैंने 3-4 दिन इनको साफ फूड नहीं डालना, फिर मैंने काफ़ी सारी भिगो दी थी, मैंने कहा एक ही बार इनको यानी कि रजवा के डाल देंगे, और उसके बाद जो गाइस साफ फूड होते हैं ना ये इनको डाल देते हैं रोजाना, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता यार, मैं इनको ये वाली साफ फूड रोजाना नहीं डालता। अलबत्ता यार मेरी यही आदत है गाइस, मैंने यानी कि 1-2-3-4 दिन ना इनको एक दिन सब्जियाँ फल रोटी ये चीज़ें डालता रहता हूँ, और फिर एक दिन ना जाकर ना इनको वो डाल देता हूँ, ये वाली साफ फूड डाल देता हूँ, क्योंकि यार मैं कहता हूँ इनमें ना हर चीज़ हो, इनमें प्रोटीन हो, इनमें विटामिन हो, इनमें विटामिन ए बी सी डी ई एफ जी एच जे के एल एम एन सारे विटामिन इनमें होने चाहिए, इसलिए यार अब ये मैंने आज भी भेजा गाइस ये इनको डालते हैं। इसको मैं ऐसे नीचे रखूंगा ना तो ये है कि यार मेरे सारे रैबिट्स और सारे चूज़े खा जाएंगे। ऐसा करते हैं इसको हम लेके जाते हैं अंदर और वहीं से ना सबको डाल डाल के ना देते जाते हैं, बल्कि ऐसा करते हैं इसको ना यहाँ पर रखते हैं कूलर के अपर, ठीक है ये जहाँ पर तुम पढ़ो, ठीक है यार गाइस यहीं से ना सबसे पहले डाल देते हैं हम अपने, बल्कि नहीं यार मैंने इसके लिए गाइस एक टूल बनाया है, हमला 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 गाइस देखे देखे वो यार शुक्र है ये बर्तन पूरा घिरा नहीं है, वरना इसकी पूरी कोशिश है वहाँ से जंप लगा के यहाँ पर आ गया। तो गाइस मैं आपको कह रहा था यार मैंने इसके लिए एक टूल बनाया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, बल्कि यार वो गाइस मैं आपको ऐसे बता देता हूँ यार। तो यार गाइस मैंने लिए यार एक बास्केट जिसके अंदर नीचे पे ना सारे सुराख है, मैंने कहा था ये उसमें डाल दे तो सारा पानी इसके अंदर से निकल जाएगा, लेकिन यार गाइस ऐसा नहीं करते क्योंकि ये साफ फूड है बहुत ज़्यादा, वो तो भैया छोटी सी, तुम नहीं तंग करो गाइस, यार जी देखो मुझे तंग करेगा, साफ साफ फूड भी नहीं डालने थे यार, जो चूज़ों की बहुत गंदी आदत हो गया। अब ये खोला इसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे, यानी कि ये लो तुम ये खाओ, मैं अपने बजीज को नई साफ फूड डाल दूँ। तो यार गाइस यहाँ से इनको डालते हैं साफ फूड। अब यार मैंने ये बर्तन बनाया गाइस जो मेरी फिंचेस का था ना, ये है कि इसमें ना साफ फूड ना मेरी तंग नहीं होती और रोती नहीं है, तो इतना और इसके अलावा ना एक और चम्मच भी डाल देते हैं इनको, ये चम्मच यार में एक मेरा हाथ है, ऊपर नहीं आना, नहीं आना ऊपर, नहीं आना आप खा जाएगा। तो यार मैंने अपने छोटे बजीज को डाल दिया गाइस, अभी बहुत सारी पड़ी हुई यार भारी भारी ने सबको डाल लिया हमने। यार गाइस मुझे कैसा ख्याल आ गया कि मैं आज भिगो दूँ, कल मेरे पास कुछ नहीं होगा डालने को, वरना यार गाइस रोजाना रोटियाँ पालक के छिलके ये वो बहुत कुछ होता है, इनको यार मैं कम डालूंगा, क्योंकि यार गाइस ये जो मेरे पहाड़ियाँ ना ये बहुत ही ज़्यादा ज़ाया करते हैं, इसलिए ना इनको थोड़ी ही डालते हैं। अबे किस लिए ऊपर आए, शर्म नहीं आती तुम्हें, बस देखे कैसे जंप हुआ, अभी ये सारा नीचे गिरना था और ये सारी ज़ाया हो जानी थी, सारी रैबिट्स ने खा लेनी थी, ये अपनी गिजा बनाते हैं हर बात पर, नीचे जाओ नीचे जाओ नीचे जाओ ऊपर आ रहे हैं यार गाइस यार गाइस इन्होंने मुझे तंग किया यार, मेरे पैरों में आते हैं ये करते हैं, बहुत करते हैं, बहुत तंग करते हैं, कभी तो मेरा दिल करता है इन सबको पकड़ के ना एक ही थैले में और जाके ना कुछ कर दूँ इनका, या किसी को दे दूँ या तो भेज दूँ या फिर इनको ज़िबा करवा के खा जाऊँ यार, लेकिन यार आप देखना ये तंग किया हुआ इन्होंने, और जहाँ पर जा रहा हूँ पूरी फौज मेरे पीछे आ रही है, मेरे सिपाही बने हुए हैं, तो यार इन सबको गाइस मैं डाल के ना फिर आपसे मिलता हूँ यार, क्योंकि ये भी तंग कर रहे हैं, फूल बिठाना है ये भी डालना है। गाइस मैं अपने रा पैरेट को 3-4 दिनों बाद डाल रहा हूँ ये वाली साफ फूड, तो अब इनकी आप शक्ल देखें कैसे मस्किनों वाली बनाई हुई है, ये लो ये लो ये लो ये लो, रो नहीं, अबे जाने तो दे, अबे जाने तो दे, चलो जाओ 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 खा लो, तुम नीचे उतरो, तुम फिर ऊपर आ गए, तुम अपने और दोस्तों को भी बता रहे हो कि यहाँ पर साफ फूड पड़ी हुई है और आए खाएं, भागो यहाँ से, अब नहीं होना ऊपर, चलो जाओ 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 शाबाश शाबाश, खाओ 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 खाओ, अपने मेल्स को भी खिलाना, तुमने भी खाना और तुमने अंडे नहीं दिया ना इस बार, मैं कह रहा हूँ मैंने तुम्हारा बहुत अच्छा कर रहा है, चलो 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 खाओ 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 खाओ, अच्छा अच्छा नहीं बनाता तुम्हारी वीडियो, खाओ मेरे ख्याल में डाब के अंडों में से आज या कल बच्चे निकालने, क्योंकि यार तकरीबन 10-11 दिन हो चुके हैं, आज या कल इसके बच्चे निकालेंगे और इसके बाद फिर दिए थे इसके अंडे, वो पीछे वाली बात के अंडे उसके भी बच्चे निकलने हैं यार, कल जब हम इसके अंदर ना यार ब्रॉदर वगैरह रख रहे थे ना तो ये मुसलसल ना इसके ऊपर बैठी हुई थी दो फीमेल्स और अभी बैठी हुई है, वरना ऐसा होता है कि जैसे ही मैं आता ना ये उड़ जाती है डर के, आज भी बैठी हुई है ये वाली और वो वाली फीमेल तो मुसलसल ही बैठी हुई है ना यार, उनके भी बच्चे निकलने हैं, और जहाँ पर भी इस फीमेल ने दूसरा अंडा देना है इसके भी अंडों को जाने के बहुत देर है, क्योंकि इसके अभी एक अंडा दिए हुए 2 दिनों में अभी 10 दिन पड़े इसको, वरना इसके और इसके बच्चे ने यार इंशाल्लाह कल या परसों तक मैं आपको दिखा रहा हूँ यार, तो यार इनको भी साफ फूड डालने गाइस, इनमें यार जो मैं साफ फूड रख के गया था ना गाइस पता क्या हुआ है, पहले ना मैंने पूरी पूरी रोटी रख के जाता था भिगो के, अब नहीं खा पाती थी ये, कल मैंने इनको ना रोटी के बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे करके दिए थे, अब देखे सिर्फ और सिर्फ इतनी बची हुई है, बाकी इन्होंने सारी खा ली थी, आज इनको हमने गंदम देनी है और ये गंदम भी वैसे खा भी लेते हैं, पहले जब यार ये बच्चे थे ना गाइस जब यानी कि मैं इनको लेके आया था तो ये गंदम नहीं खा सकते थे, मैं गंदम का पता कैसे डालता था इनको, अब ये दाना है ना गंदम का इसको मैं ऐसे तोड़ता था, याद आधा हो गया ना फिर ऐसे डालता था फिर खा पाती थी, अब ये खा जाते, अब मैंने ये देखा इतनी रखी है ना अब इसकी आधी भी नहीं बची पड़ी होगी, जो बची पड़ी होती है वो मैं अपने रैबिट्स को डाल देता हूँ, ये आप खा लेंगे, पता नहीं यार गाइस जी यहाँ पर बैठ के कहाँ खा रहे हैं, हालांकि यार मैंने साफ फूड तो इन्हें यहाँ पर डाली, अच्छा अच्छा आ गए आगे आगे, यार असल में यार गाइस मैं वीडियो बनाने लगता हूँ ना ये उड़ जाते हैं, वरना ये खा रहे हैं आप देखें ना ये खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं, अभी देखें अभी और भी आएंगे 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 आएंगे, ये देखा यार अभी ये खाना स्टार्ट कर देंगे और फिर ये सारी खत्म कर जाएंगे, यार गाइस यहाँ पर यार मैंने सबको डाल दिया, अपने हाँ पैरेट को भी डाल दिया, लेकिन अभी फिलहाल ये अपने डब्बे में मसरूफ हैं, क्योंकि यार इनका डब्बे की तरफ रुझान बहुत है, तो इसके अलावा यार मैंने अपने डब को भी डाल दिया, यहाँ पर भी डाल दिया अपने इनको
गंदम भी डाल दिया, रोटी भी डाल दिया, अपने रा पैरेट को भी, रिंडे को भी डाल दिया, वो फीमेल एक आए भैया नीचे खाने के लिए। ऐसे वहाँ पर जाऊँगा वो उड़ जाएगी, देखना भी आप। बैठी हुई है, बैठी हुई है, बैठी हुई है। हाँ उड़ गई यार गाइस, ये मुसलसल यानी कि बैठी हुई थी अभी तक। तो यार इनको भी डाल दिया गाइस, अब हमने चलना है यार अंदर, और अंदर से जाके ना सिर्फ और सिर्फ अपने वजीर को डालनी है। क्यों खाते जा रहे हो, क्यों खाते जा रहे हो, पहले तो मैंने बहुत कुछ खिलाया। ये कुर्सी भी लेके जानी है हमने अंदर, कल से यहीं पर पड़ी हुई है, इसको भी ये तो चलते हैं, और इसके अलावा हम मुकम्मल ही चलते हैं। हटो 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 जी, मैं आ चुका यार, इंशाल्लाह यार इनकी प्रारा चेक करते हैं, लेकिन पहले ना यार कुछ रोटी है ये इनको डाल देते हैं। यहाँ पर दो, सिर्फ दो निवाले अभी तक गिरे हैं ऊपर, ये देखें ये कितने शौक से खा रहे हैं। हालांकि इनमें मैं आपको बाजरा दिखाता हूँ, ये देखें यार, आज डब्बा बाजरे का पड़ा हुआ है। अभी तो एक रोटी भी है, ये भी इन्हें खिलानी है हमने। ये तो मैं कहाँ डालूँ, कहाँ डालूँ, ये लो ये भी खा लो। अब इसे सुकून से यार बैठ के खाएंगे, और जो नीचे गिरेगा ना वो इस जगह पर गिरेगा, हमारी फिंचेस खाएंगी। और एक मिनट मुझे प्लेट देना, मैंने तुम्हारा एक और भी काम करना है। शाबाश यार, ये इनकी प्लेट आ गई गाइस। यहाँ पर यार इनको साफ सुथरा रख के देते हैं ये वाली, क्योंकि आज रोटी एक है और एक हो जाएगी साफ फूड उसकी जगह पर। यार गाइस ये वाली जो साफ फूड है, यानी कि ये जो है क्या कहते हैं इसे, गंदम, ये पहले ना मेरी फ्रिजिस नहीं खा पाती थी, जब यानी कि मैंने ले गया था, तो फिर मैंने बहुत अरसा डाली भी नहीं, मैंने कहा नहीं खा पाती। अब मैंने एक दिन डाली है गाइस, ये बहुत ही ज्यादा शौक से खा रही थी। उसकी वजह पता क्या थी यार, पहले थे ये बच्चे गाइस, तो ये ना इसको चबा नहीं पाते थे। अब मैंने इसको ये डालना स्टार्ट कर दिया, अब क्योंकि ये बड़े हो गए तो अब आसानी से इसे खा लेते हैं। तो यार अभी फिलहाल ना गाइस ये खाने में मसरूफ है सबके सब, तो हम ऐसा करते हैं यार इसकी प्रोग्रेस चेक कर लेते हैं, बाद में ना ये मैंने डालता हूँ, अभी ये रोटी खा रहे हैं फिलहाल। फिंचिस मेरे डरेंगे, क्योंकि मेरे पैरों को देखकर ना वो डर जाएंगे, ठीक है। तो यार गाइस इसको ना आराम से चलते हैं, खाते रहो खाते रहो खाते रहो खाते रहो, यहाँ नहीं देखना कि मैं तुम्हारी प्रोग्रेस चेक कर रहा हूँ। खाते रहो खाते रहो खाते रहो यार, क्यों डर रहे हो, क्यों डर रहे हो यार। इस साइड पर मैं आ गया हूँ यार, ऊपर वाले मैं आपको डोलियाँ दिखाऊंगा यार, आपने वो देख लेनी है, आपने नोट भी कर लेना कि उसके अंदर कितने अंडे कितने बच्चे, क्योंकि मैं यार ऐसे करके ना वीडियो तो बना लेता हूँ, लेकिन मुझे ना नजर नहीं आ पाता। अगर मैं कुर्सी लेके आऊंगा ना यार इस जगह जाएंगे, अभी फिलहाल ये खा रहे हैं इनको डराते नहीं है, सिर्फ नीचे वाले ना 8-10 की डोलियाँ के लिए प्रोग्रेस चेक करते हैं। अब यार गाइस हम उल्टे तरीके से चेक कर रहे थे, 30 को चेक करते हैं, माशाल्लाह यार इसमें दो अंडे हुए अपने गाइस, 31 देखते हैं। इसमें भी एक नहीं दो अंडे यार गाइस, तकरीबन दो अंडे हैं यार इसमें। अच्छा तो इसमें ये वाली फीमेल है, अब मैंने तुम्हारा नाम याद रख लिया, क्या नाम है तुम्हारा गाइस? जैसे 32 में अभी तक कोई फीमेल नहीं है, 33 में भी फीमेल ने अंडे दिए हुए हैं, 29 देख लेते हैं कुछ नहीं है, 28 कुछ नहीं है, 27 कुछ नहीं है, 26 में भी कुछ नहीं है यार। ऊपर वाली गाइस वाली को भी चेक कर लेते हैं, 15 को इसमें कुछ है मेरे ख्याल में नहीं है, इसको देख लेते हैं, इसमें वैसे भी पानी है, 17 इसमें कुछ नहीं है, 18 को देखते हैं, इसमें फीमेल बैठी हुई है और इसमें अंडे भी दिए हुए हैं, मेरे ख्याल में लास्ट टाइम इसमें अंडे थे। ओ बड़े गई 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 गई, वाओ 4 अंडे हुए पड़े हैं गाइस इसके, 19 में कुछ नहीं है, 20 को देखते हैं, इसमें फीमेल बैठे हुई है, इनको डिस्चार्ज में करते गाइस। अभी ना एक फीमेल ना बोलेंगे, वो 17 में गई है, 7 में गई है, उसकी आपको धूम नजर आ रही होगी। तो यार इनको जल्दी डिस्चार्ज में करते, इंशाल्लाह यार प्रॉपर चेक करेंगे ना, फिर हम अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे। अभी ये फिलहाल खाएं, इनको थोड़ी सी ना साफ फूड मैं डाल रहा था, और अभी डालनी भी है, कॉफ सही बची हुई है यार, किसको डालूं यार अब मैं? ऐसा करता हूं यार जो बाकी बच्चे ना वो फिंचिस को ही डाल देते हैं, क्योंकि ये देखना इनके तो तकरीबन आज की मुकम्मल हो गई, बाकी अभी बची हुई है। इनको साफ फूड डालते हैं यार, इसके बाद यार मैंने गाइस उस दिन मुझे एक सब्सक्राइबर कर दी कि यार अब जब से आपने ये वाली एवरेज बनाई है ना, आप उस वाली एवरेज के ना प्रोग्रेस बहुत कम चेक करते हो। तो यार इंशाल्लाह कल या परसों तक उसकी गाइस प्रोग्रेस चेक करते हैं। और उससे यार मैं आपको वैसे बता दूं, तकरीबन ना 4-5 डोलियां मैंने यार फीमेल के अंडे खराब हो गए थे ना, और जो लड़ाई चल रही थी, अब उनके सारे फसाद सॉल्व हो गए, केस पर मैंने साइन कर दिया, मुकम्मल कर दिया, अब उन्होंने एक एक डोलियां ले लिया यार, और उसमें ना बिल्कुल रेडी बैठी हुई हैं, हो सकता है आज तक उन्होंने अंडे दे भी दिए, वरना एक दो दिन तक चेक करेंगे ना सब डोलियों में नए नए अंडे आए पड़े यार। तो इसी के साथ ही गाइस आज के लोग यहीं पर करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।